नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण थाना से महज 150 मीटर की दूरी पर चौपारण के एक पत्रकार की मोबाइल दुकान पर गुरुवार रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधियों ने करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दिया। इतना ही नहीं, उनकी दुकान के बाहर नक्सली संगठन के नाम पर एक पोस्टर भी चिपका दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार फायरिंग की घटना उस वक्त हुई जब पत्रकार और उनके भाई अपनी दुकान बंद कर घर के अंदर चले गए। घर जाने के थोड़ी देर बाद अपराधी पहुंचे और उनकी दुकान के शटर पर पहले पोस्टर साटे, फिर गोलियां बरसाने लगे। लेकिन इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद चौपारण थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तो हम लोग चौपारण थाना में कल रात में ही सूचना दिए थे और उसके बाद आवेदन देने के लिए आज सभी प्रेस क्लब हजारीबाग और बरियन मंडल पत्रकार परिषद के सभी साथी आए, अध्यक्ष महोदय भी हैं, सभी के साथ मैंने आवेदन दिया है और मांग की गई है कि जो भी इस कांड में शामिल है उन लोगों को सामने लाया जाए। अपराधियों ने दुकान के बाहर नक्सलियों के नाम से एक पर्चा भी चिपकाया है। पर्चा पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से चिपकाया गया है। घटना का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अब घटना के बाद बात सामने आई है कि PLFI नक्सलियों ने घटना की जिम्मेदारी ली है। हजारीबाग के पत्रकार को फोन से इसकी जानकारी भी दी गई है। पत्रकार ने मामले की जानकारी एक ग्रुप में शेयर करके दी है। आरोप है कि पत्रकार पुलिस की मुखबिरी है। आप लोग सबों को जानकारी है कि एक वरीय पत्रकार हम लोग के साथी शशि शेखर पर के घर पर कल जानलेवा हमला हुआ था, फायरिंग की गई थी और उस घटना की हम लोग भरपूर भर्त्सना करते हैं। हम लोगों ने आज विक्टिम के साथ थाना प्रभारी के पास आए, उनको जो है सो एक आवेदन दिया गया है और उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के भीतर इस मामले को नतीजा तक पहुँचाएँ। इस घटना में शामिल जो भी अपराधी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उस अपराधी को शिनाख्त करके गिरफ्तार करें ताकि यह पता चले कि पत्रकार पर हमला करना इतना सहज नहीं है। और यह घटना मैंने स्पष्ट कहा है कि यह घटना पुलिस पर ही हमला है, क्योंकि सर उस गज की दूरी के भीतर इस तरह की घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है, इसलिए पुलिस के लिए भी यह चुनौती है। तो इस घटना को उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द 2-3 दिन के भीतर एक रिजल्ट देंगे। अगर नहीं दिया गया तो हम इस मामले को लेकर के जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर आंदोलन को तेज करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से पत्रकार मूल्यों और पत्रकार समाज के जान माल की हिफाजत के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। यही बात आज थाना प्रभारी को भी हम लोग ने कहा है कि अभी तो एक पत्रकार अपने समाज के साथ आया है और अगर समाज उतरेगा फिर इस घटना को के खिलाफ तो पुलिस प्रशासन के लिए एक व्यवस्था के सामने भी गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा।